इसमें हमारे पास कंडीशन है संदीप फरीदाबाद, इसका हमें सम करना है। ठीक है, इसमें मैं लगाऊंगा सम करने के लिए सम इस रेंज को मल्टीप्लाई करना है हमने, नहीं इस रेंज को हमने चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू संदीप है। ठीक है, तो इसमें 0101 में आंसर आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इक्वल 0101 में आएगा, जहाँ संदीप होगा वहीं वन आएगा। ठीक है, उस रेंज को मल्टीप्लाई कर देना है सेल्स वाली से, सेल्स में कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी देखेंगे तो कुछ नहीं आ रहा। F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 1533, 1553। ठीक है, टोटल संदीप कितनी फेल है? हाँ टोटल इतनी है। ठीक है, तो समझ आया ये क्या हो रहा है। अब हम देख लेते हैं फार्मूलाज में जाके, वैल्यूएट फार्मूला, ये पूरी रेंज खुलेगी, फिर जहाँ ट्रू ट्रू है, जहाँ ट्रू है वहाँ पे संदीप है, एवेल्यूएट, तो ये आ गई वैल्यू, जहाँ वन था वहाँ, मतलब ट्रू था वहाँ, वो ऐसे आ गया। और जहाँ नहीं था वहाँ जीरो आ गया। ठीक है, ये रेंज आ गई, इसी का सम हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन लगानी है कि फरीदाबाद भी हो, है ना, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बी बी और ये H4। ठीक है, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 320। अब ये कैसे चला, यहाँ से ये रेंज खुल गई ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में, अगली नीचे भी रेंज खुल जाएगी ट्रू फॉल्स में। ठीक है, तो ये वहीं वहीं आएगा जहाँ फरीदाबाद होगा। ठीक है, इसलिए तो ऐसे ही करके कितनी भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। पर मान लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें संदीप की भी सेल निकालनी है और फरीदाबाद की भी निकालनी है, संदीप और फरीदाबाद की सेल मिक्सअप होके आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग जाता है। अब क्या होगा, वन वन में मल्टीप्लाई होगा टू हो जाएगा, तो जहाँ संदीप भी है फरीदाबाद भी है तो दो कंसीडर कर लेगा। बेसिकली इसको किसी बंदे पे कर सकते हैं, तो मैं ए पे ही कर देता हूँ कि यहाँ से प्रदीप की सेल भी निकाल ले। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा, प्लस क्या होगा, 1010, यहाँ 1010। ठीक है, प्लस होगा 1 0 में, प्लस होके 1 होगा, 1 1 में प्लस जब होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक जगह फॉल्स भी है तो वहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर दोनों में 0 है तो कुछ नहीं हो, 0 0 हो जाता है, तो वही होगा इसमें। इसमें क्या आएगा, इसमें दोनों की इकट्ठी सेल आ जाएगी। प्रदीप दोनों की, हाँ प्लस में, पर प्लस में अभी मुझे कैलकुलेशन पे इसकी डाउट है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन को पहले अहमियत देता है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे एक और ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के थ्रू तो मल्टीप्लाई पहले हो जाता है। अब आ रही है सही। ठीक है, तो अपने डबल ब्रैकेट दिए इसके अंदर। हाँ, क्योंकि प्लस से पहले ये चल जाएगा, वो जहाँ मल्टीप्लाई देखेगा वहीं घुस जाएगा, तो अगर ये चल जाएगा फिर वो आंसर आ नहीं पाएगा सही, है ना। तो ऐसे ही प्लस प्लस करके एक्स्ट्रा लगा सकते हैं एंड वाली। ठीक है,
तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ओके, अगर मैनुअल देखें, मैनुअल कंडीशन में बताता हूँ होता क्या है। पहली कंडीशन है क्या ये इक्वल टू संदीप है। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया। दूसरी कंडीशन है क्या ये इक्वल टू प्रदीप है। अब ये ट्रू फॉल्स आ गया। अब मैं ये कर देता हूँ, ये प्लस ये। ठीक है, ये जनरेट हुआ। अब इसके बेस पे जहाँ वन है मल्टीप्लाई करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो जहाँ वन होगा वहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, 2905 आ रही है। और वो सिटी वाले केस में क्या मैं क्या ये इक्वल टू फरीदाबाद है, फरीदाबाद। ठीक है, अब इसमें प्लस नहीं करना था, इसमें मैंने किया था मल्टीप्लाई, तो जहाँ मल्टीप्लाई करूँगा ये रिजल्ट आया था। ठीक है ना, तो ये लॉजिक चल रहा है इसमें। इसमें ज़्यादा मेहनत है है? इसमें ज़्यादा मेहनत है। ये तो एक बार लगाया धड़ाक से काम हो गया है ना। इसी तरह रेंज का भी होता है। रेंज में जैसे मैंने दिखाया था ना, इफ के अंदर रेंज चलाते हैं पूरी पूरी कंडीशन में, यही वही कंडीशन का ही कमाल है इसका है ना। तो यही सब होता है एरे फार्मूला में, यही चीज़ मिलेगी आपको टेक ऑन दी नेट वेबसाइट पे, इसी तरह से जितने फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सेल, एक्सेल में एरे फार्मूला। ओरेकल भी इसी का पार्ट है क्या? इस साइड में काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो एरे फार्मूला में जैसे सम के लिए, सम वैल्यू काउंट वैल्यू, सम वैल्यू में हमने देखा था, ये देखो ये सम कर रहा है कि जहाँ पे बी 150 हो और यू हो उनका सम कर दे। तो क्या करा है, A1 A5 ये मल्टीप्लाइड बाय B1 B5 इक्वल टू 150। तो ये इस रेंज को जहाँ 150 है वहाँ से मल्टीप्लाई, तो 111 करके ये दो छाटेगा, क्योंकि 150 वैसे और कहीं है नहीं, तो इन्हीं दोनों में है, तो इन दोनों को छाट लेगा, बाकी को जीरो कर देगा। फिर उसमें देखेगा U, और कहीं 150 आ ही नहीं रहा ना, अगर बीच में होता भी तो फिर वो इससे फिल्टर हो जाता मल्टीप्लाई से। तो यही लॉजिक है। हाँ, ये क्या कह रहा है, AB5 AB13 मल्टीप्लाइड बाय AB इक्वल टू 2। तो जहाँ पे ये 2 है E, यहाँ पे 2 है उसमें से निकाल लेगा, ये 2 निकालेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, इसमें यहाँ पे भी है ना, तो ये भी निकलता, पर इन्हें अगली कंडीशन लगा दी कि AB5 में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 से बड़े में फिर ये छट के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कर रखा है इसने। ठीक है, काउंट जब कराते हैं तो उस रेंज को मल्टीप्लाई नहीं कराते हम, फिर जैसे ये रेंज मल्टीप्लिकेशन है ना, ये नहीं कराएंगे, वो तो काउंट करेगा। ठीक है, यही सारे हैं, ऐसे ही है एवरेज निकालने का,
एवरेज कब निकाल रहा है? देखो एवरेज निकालने में देखो ये पहले डी, ये ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, फिर और लेस देन 10 होनी चाहिए, मतलब 5 टू 10 की, ये कल मैंने बताया था 5 टू 10 के बीच में होनी चाहिए, वो जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी इस रेंज से। तो ये वैल्यू आ गई रेंज मल्टीप्लिकेशन में, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर उसको डिवाइड किया, सेम वही चीज़ है पर रेंज मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो काउंट आ गया है कि कितनी वैल्यू निकल के आई, उससे उसको डिवाइड किया एवरेज आ गई, ठीक है ना। तो यही है एरे फार्मूला, ठीक है। एरे फार्मूला के बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइम टू टाइम क्रिएट होता रहता है, इस फार्मूले से मतलब काफ़ी सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये मतलब जहां आपके सारी होप ख़त्म हो जाए तब ये काम आ सकता है कि अब कोई फार्मूला बचा नहीं। फार्मूला नॉर्मल चलते हैं उन सब में ये वर्क करेगा? हाँ सब में करता है, मतलब नंबर इसी चीज़ों में ये वर्क करता है, काउंट में। अब जैसे कई चीज़ें होती हैं, चलो ये करके देखते हैं ये कैसे होगा। अब मुझे इसके बीच का ना नंबर निकालना है, इसमें जो नंबर है वो आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मिड से मैं कर लेता हूँ अलग अलग, ठीक है। मिड टेक्स्ट स्टार्ट नाम कॉलम से किया था ना, कॉलम 140, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, ठीक है ये रहा। अब इसमें मैं कर देता हूँ इज, अच्छा एन का फॉर्मूला है, पर एन का फॉर्मूला इस तरह से वर्क नहीं करेगा, जीरो निकाल रहा है, इनका फॉर्मूला निकाल तो देगा नंबर। अच्छा ये टेक्स्ट के फॉर्मूले से निकला है तो टेक्स्ट नहीं होगा, वैल्यू का लगा देता हूँ, ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, बाकी जगह एरर दे रहा है और ये नंबर निकाल। नहीं आपने शुरू में एन लगाया नंबर के लिए, हाँ बीच में वैल्यू दी है, हाँ मैंने एन के बाद वैल्यू का फार्मूला दिया ऊपर वाले में, तो इसमें बाकी सब में एरर है, तो मैं एरर स्टार्टिंग में दूंगा, हाँ इफ एरर ब्लैंक, ठीक है। अब इसको कंकैटिनेट कर लेना है, ठीक है ना। कंकैटिनेट कैसे करेंगे यार, हाँ तो अभी ये है, चलो करके देखते हैं इसको, वैसे इसके चांसेस कम है, देखते हैं क्या बना सकते हैं जुगाड़ इसके लिए। तो ये और लास्ट में कंकैटिनेट, कंकैटिनेट इसमें रेंज खुल जाएगी तो ये कंकैटिनेट भी कर देगा, नहीं रेंज नहीं खुलेगी, हाँ खुल भी सकती है। तो
कंकैटिनेट, इसके बाद मैंने लगाया था इफ एरर एन के अंदर में वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कुछ डाला था। इसको अभी मैं ऐसे ही करके फार्मूला पूरा करता हूँ। इफ एरर के बाद कॉमा दिया आपने, डायरेक्ट आपने एन लगाया ब्रैकेट के अंदर, एन लगाया है, वो फार्मूला है, ठीक है ठीक है। ये ब्लैंक का हो गया। हाँ, अभी इस फार्मूला को पूरा करता हूँ। अब इसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो मिड के फार्मूला से आ रही है, और वैल्यू वैल्यू वैल्यू, अच्छा वैल्यू मिड, इफ एरर के बाद मिड का फॉर्मूला देना था। इफ एरर के बाद मिड का फॉर्मूला देके, नहीं नहीं अभी देख लेते हैं ये। अच्छा, वो तो इफ एरर तो लेगा ही नहीं ना। एन वैल्यू इसमें वो नहीं निकालेगा ना फिर। चलो कंकेटिनेट हटा देते हैं। पब कंकेटिनेट करेगा ही नहीं ना फिर, लफड़ा ये है। मिड रो कॉलम एक से 40 1 ब्रैकेट क्लोज, नहीं होगा। एक सेकेंड, अब इसने किया क्या है, ये निकाला वैल्यू ने, क्या निकाला फिर वैल्यू ने, एरर वैल्यू ने सब में एरर दे दी। वैल्यू ने इसमें सब में एरर पकड़, नहीं नहीं वैल्यू नहीं, ये 4-3 वो तो दिया, नंबर ने क्या किया फिर, वैल्यू तक तो सही गया, वैल्यू तक तो सही गया। इसको देखते हैं, इसको वैल्यू को अगर मैं हटा दूं, अब ये क्या है, एन का फॉर्मूला इस रेंज में कुछ दे पाया, एन का फॉर्मूला मेरे ख्याल से कुछ नहीं दे पाया। एन का फॉर्मूला कुछ नहीं दे पाया तो एन का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, इफ एरर भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इस रेंज से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, इफ अगर ये इक्वल टू है या इस नंबर है, इस नंबर, अगर ये नंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाए, ये रेंज आ जाए, अदरवाइज
ब्लैंक आ जाए। इसने क्या किया, आया इस नंबर ने ट्रू फॉल्स कर दिया, पर ट्रू नहीं किया कि कहीं भी जगह, इसने नंबर का फार्मूला भी कैच नहीं कर पा रहा है इसको। अगर मैं इधर इस नंबर का लगाऊं, इस नंबर ये कैच नहीं कर रहा है। इस नंबर कैच नहीं कर रहा है, इस नंबर कैच नहीं कर रहा है। इस नंबर में दूसरा लगाऊंगा तो वो दे नहीं पाएगा उसे। इस नंबर में मैं अगर ये लगाऊं वैल्यू करके, वैल्यू ने निकाल लिया। अब इस नंबर इस रेंज को चेक करें, ट्रू कहीं दिया, ट्रू हाँ ये रहा, ट्रू दिया है। इवेल्युएट, ट्रू फॉल्स आया इस पे। इवेल्युएट जहाँ तक तो सही जा रहा है। इस नंबर इसका ट्रू फॉल्स निकाल गया। ट्रू फॉल्स, बाकी जगह ब्लैंक कर गया, उसको निकाला। जैसे ये वैल्यूएट कर, यहाँ से वैल्यूएट होके क्या बना, वैल्यू निकाल तो गया, अगर इस नंबर है तो ट्रू हो जाता है, और फिर वहाँ से वहां से वो वैल्यू लेनी चाहिए। इस नंबर ने इधर से रेंज निकाल दी, इस नंबर भी वैल्यू से सही ले रहा है। इस नंबर तो ये उस रेंज की वैल्यू नहीं उठा पा रहा है। हाँ तो ये करे क्या, इसमें इसमें इंडेक्स से हाँ ट्रू हो जाए, ट्रू फॉल्स
अटक गया। वैल्यू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स जनरेट तो हो रहा है, अब उसके बाद अटक रहा है सारा का मामला। इस नंबर यहाँ से ट्रू फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स आया, इस नंबर ट्रू फॉल्स में दे रहा है, तो जहाँ ट्रू हो वो मुझे मिल जाना चाहिए। कंकैटिनेट हटा देते हैं, इफ ये जहां ट्रू हो वहां मुझे क्या करना है, वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। वैल्यू फोर्स में दे रहे थे, वैल्यू 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 ये जहाँ पे ट्रू आएगा ना वो उसमें से वैल्यू उठा ले, नहीं वैल्यू, हाँ वैल्यू उठ, वैल्यू उठाएगा, वैल्यू ना भी उठाए तो कंकैटिनेट कर देगा। अदरवाइज ब्लैंक कंकैटिनेट करें। अब ये दो रेंज आपस में टकराएंगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 140 पे नहीं करते, ये 16,000 8 वैल्यूएट फार्मूला, वैल्यू ने वैल्यू निकाल दी, इस नंबर में ट्रू आ गया, अब ये ट्रू की वैल्यू ही मुझे चाहिए बस। अच्छा कंकैटिनेट, यहाँ फंस गया फिर से, इफ ने क्या सॉर्ट किया, इफ ने कुछ दिया ही नहीं, इफ हमेशा ब्लैंक पे ले जा रहा है। ट्रू वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन कर दूं क्या, पर क्या ये रेंज को कंकैटिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, कंकैटिनेट तो रेंज को कंकैटिनेट ही नहीं कर सकता।
वैल्यू तक तो सही आ जाएगा ये। हाँ बल्कि ये उसका सम बेशक निकाल देगा। इस नंबर अच्छा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। वैल्यू इस नंबर पे ट्रू हो गया, ट्रू से मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाँ सम वैल्यू 4 3। अच्छा इफ error ये रेंज मल्टीप्लाई होगी और जहाँ जहाँ एरर आएगी यहाँ से जीरो फिट कराते जाता हूँ। इफ एरर अगर इसमें कहीं एरर आती है तो जीरो फिट करा देगा। बाकी को सम के अंदर दे देगा 21। सम आ गया है। अब कंकैटिनेट वो फॉर्मूला नहीं है जो इसको ये दे दे। रेंज तो बन गई है, कंकैटिनेट वो फॉर्मूला नहीं है जो इसमें कुछ करके दे दे। रेंज तो निकल गई है, तो अगर मैं कंकैटिनेट हटा के इसको वैसे ही लगा दूं तो ये मेरे को वैसे ही दे देगा। अगर ये हटा दूं मैं, अब ये देखो ये फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये शुरुआत में ही मुझे नंबर दे देंगे, ठीक है ना। ये नंबर तो दे ही देगा, खैर नहीं तो मैं इसको ब्लैंक भी करा सकता हूँ। लेकिन नंबर तो उस फॉर्मूले में दे ही रहा था वो, तो वो दो फॉर्मूला है ना, वो एक फॉर्मूला में निकाल के दे रहा है आपको। अगर इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह वैल्यू देगा वो। हाँ कनकैट ये मल्टीपल पे ही देगा रिजल्ट, क्योंकि कनकैटिनेट कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको आप वो करके कर लो। रेंज नहीं दे सकते ना कनकैटिनेट में। कनकैटिनेट में ये डबल एरे का वो हो गया। अब डबल एरे इसमें चलता नहीं है। अब ये एरे में चलेंगे कौन कौन से फार्मूला? आपने सम बताया, एवरेज बताया, काउंट का हो गया, चलो। हाँ हाँ देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ ना तो ये कनकैटिनेट नहीं करता है। रेंज का भी कंकैटिनेट करता ही नहीं है, ये एक एक करके देगा और एक एक करके हम इसमें दे नहीं सकते। हाँ एक तरीका तो है शायद, चलो दे के देखते हैं क्या पता दे दे। ये पूरा फार्मूला उठा के मैं तो काफी लंबा हो गया है, ये तो काफी लंबा हो गया फार्मूला। हाँ हाँ ये पूरा फार्मूला उठा के पर हाँ अलग अलग देगा ही नहीं ना। कंकैटिनेट में तो ये देगा ही नहीं, तो मिड में कैसे निकालेगा? मिड निकालेगा कैसे? पंगा तो ये है। मिड निकाल ही नहीं पाएगा इसको, कोई भी फार्मूला नहीं निकाल सकता। ये मल्टीपल सेल पे ही जाएगा। कनकैटिनेट मल्टीपल कनकैटिनेट पर उसमें मल्टीपल कनकैटिनेट में वही पंगा है, नहीं निकालेगा ये।
मल्टीपल बनाएगा ही नहीं, इसी तरह मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यही है इसकी। हाँ, इसको ये कर सकते हैं कि इस जगह पे लगा दो कंकैटिनेट सबके ऊपर कि ये कॉमा ये अलग अलग करके देना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ मतलब इस तरह से दे सकते हैं, इसमें रेंज पूरी दे ही नहीं सकते ना। और दूसरा तरीका नहीं है कि वो अलग अलग रेंज पकड़ ले, मतलब रेंज पकड़ भी लेगा तो बात वही होगी कैच कैसे करेगा, कैच नहीं कर पाएगा। इसमें भी यही लगेगा फॉर्मूला तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इनकी भी कुछ आ जाती है लिमिटेशन। अभी मिड को इसको कैच करने के लिए फार्मूला है ही नहीं, अलग अलग पैरामीटर में हम दे ही नहीं सकते। हम क्या है कि एक ही पैरामीटर के साथ खेल सकते हैं ना, अब मिड में भी एक ही पैरामीटर से खेल रहे हैं। ये होता ही भाई। हाँ, पर इसके पैरामीटर ही अलग हैं। अगर किसी भी टेक्स्ट में न्यूमेरिकल बीच में है, अगर उसमें कंकैटिनेट करके अलग दोनों को कर दे आप, हाँ, तो वैल्यू अलग दे जाए और आपके अल्फाबेटिकल जो है वो अलग दे दे अलग कॉलम के अंदर, तो कैसे होगा? क्या चाहिए? जैसे कि संदीप 1 2 3 फिर आगे कुमार सिंह, ठीक है, तो संदीप सिंह जो है वो अलग कॉलम में चला जाए और जो बीच की जो वैल्यू जो न्यूमेरिकल है वो अलग कॉलम में। वो इस तरीके से होगा ना, एक तो हमने यहाँ निकाल दिया, अब ये देखो इसी फार्मूला को कॉपी करके हल्का सा चेंज करूंगा, इसमें टेक्स्ट आ जाएगा। ये इज नंबर जहाँ था ना, हाँ, इसको मैं डाल दूंगा नॉट में। तो क्या होगा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, और वहां आ जाएगी वैल्यू, हटा देता हूँ क्योंकि वहाँ वैल्यू चाहिए ही नहीं। वैल्यू मिड, अच्छा मिड 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 तो ये फॉल्स को उससे मल्टीप्लाई करेगा जो इसमें इसको खींच के देगा, पर इसमें ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं ना, लफड़ा ही है, वैल्यूज ज़्यादा निकल रही हैं इसमें। 1-8 का मतलब वही नहीं होता, 1 करके देखो तब भी है। कॉलम्स कॉलम्स 1 से 8 इसमें रुकेगा ही नहीं ना। इस टेक्स्ट आएगा ये, और यहाँ पे सबको टेक्स्ट बोल देगा, ये वो पंगा है। मतलब मैं इसमें ना खाली एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे फार्मूला बना सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम को, जरूरी नहीं है हर बार बनी जाए पर यह है कि बन जाए तो अच्छी बात है। इसके इसके जैसे काफ़ी सारे हैं, जैसे डुप्लीकेट में फाइंड करना, बहुत सारे बड़े बड़े फार्मूला नेट पे एक सर्च करोगे ना तो वैसे आप वो लिस्ट दे सकते हो, मतलब एरे में कौन कौन से फार्मूला लग सकते हैं? ऐसा कोई नहीं है ना, कह रहा हूँ एरे कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट में बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला का बिहेवियर क्या है। अब जैसे कंकैटिनेट था, प्रॉब्लम क्या आई उसमें कि वो इंडिविजुअल लेगा। हाँ, कंकैटिनेट जो है, अब यहाँ पे एक टेक्स्ट है, अगर ये रेंज एक्सेप्ट करता, मतलब ऐसे करके कंकैटिनेट
तो तुरंत निकाल देता। टेक्स्ट में तो अब ये टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू, इसका मतलब है कि ये पैरामीटर्स में ले रहा है। इसी तरह चूज के पैरामीटर, चूज के भी बहुत सारे पैरामीटर हैं फॉर्मूला, तो चूज में भी इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना। तो ये पंगा है इसके साथ। और तो अब सम वम के साथ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सम रेंज चला सकते हैं, इस फार्मूला के अंदर चला सकते हैं जो रेंज ले ले। अब ये नंबर वन तो लिखा है, पर अगर मैं रेंज लेता हूँ तो ये इसमें चलता है, चलता है ना। तो यही है लिमिटेशन बस एक इसकी, है ना। मिड के फार्मूला में यूज़ किया, तो मिड का फार्मूला क्या है, रेंज चला सकता है। और दूसरा जिसमें लगा होता है फार्मूला, जो रेंज है उसका डील करने के अपने तरीके होते हैं, तो कुछ ही के साथ चलता है, कुछ के साथ नहीं चलता, वो तुम्हें एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है कि कुछ एक और छोटी छोटी चीज़ करा दूँ, जैसे कि डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन देखते हैं। डेटा वैलिडेशन किसी को भी फील्ड को ना बाउंड करने के लिए होता है, कहीं पे भी वैल्यूज हो। अभी तक हमने खाली एक लिस्ट यूज किया है। अब जैसे डेटा में हमारे पास इसको सिलेक्ट करना पड़ता है पहले, फिर डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, ठीक है। एनी वैल्यू का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, होल नंबर। इसमें आप बिटवीन, नॉट बिटवीन, अब मैंने कहा कि इससे 10 से 20 की वैल्यू ही आनी चाहिए, बीस तो आ गई, 21 दूंगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन सेट कर सकते हैं डेसिमल। अब उसमें क्या था, इसमें पर आप डेसिमल नहीं दे सकते, इनके बीच का भी होल नंबर है क्योंकि, ठीक है। तो डेसिमल के लिए डेसिमल दे, इसमें डेसिमल भी आ जाएंगे, अगर मैं ये लगाता हूँ तो 15.5 ये दे सकते हो। होल वैल्यू कहाँ लगाते हैं, क्वांटिटी वगैरह में, है ना, जो आधी नहीं हो, डेसिमल में नहीं आ सकती। उसके बाद है इसमें लिस्ट, लिस्ट पता ही है कैसे चलता है, इसमें या तो टाइप कर दो कॉमा कॉमा करके, या यहाँ से चूज कर लो कोई भी रेंज, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। कई बार हम जब इसका नाम रख देते हैं किसी चीज़ का, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम, NM कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर मुझे देना है किसी ऐसे रेंज का, तो मैं इसमें कर सकता हूँ इनडायरेक्ट और NM इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे ये फार्मूला चलता है। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को रेंज में बदल देगा, ठीक है। आ रहा है ना अभी भी, क्या वैसे चलता है इक्वल टू NM, देख लेते हैं, क्योंकि एक तरह की रेंज ही है ये भी, चल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे इसका एक जगह यूज ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, कोई जैसे मैंने क्या किया, एक जगह ये बना दिया, एक जगह ये बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने HR, इसका नाम दे दिया एडमिन, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूँ, और यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में HR एडमिन ही है, तो वही डाल देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में वो डायरेक्ट ही डाल देता हूँ। लिस्ट
इसको पूरे को सिलेक्ट करके, लिस्ट एचआर एडमिन, ठीक है। तो इसमें तो एचआर एडमिन लग गया, पर ये यहाँ पे रेंज नहीं है, टेक्स्ट है ना। तो इसमें मैं दूंगा वो इक्वल टू वाला, लिस्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट, मैं दे दूंगा रेंज क्या है अपनी, है J17, ठीक है। J17 से जो वैल्यू है उसकी रेंज की लिस्ट इसमें आ जाएगी। उसमें कुछ एरर आया, रेंज तो डी नहीं ना उसमें, आपने J17 यहाँ पे ही दे दिया ना वैलिडेशन करके शायद। इनडायरेक्ट इसमें जो टेक्स्ट हो वो आ जाना चाहिए, सीधा तो है, सही है। लिस्ट इनडायरेक्ट, अच्छा जे तो सेम हो गई ना, तो ब्लैंक ही है ना वो, जे तो सर्कुलर रेफरेंस हो गया ना, आई है ये, आई वाली वैल्यू, ठीक है। तो एचआर वाले दिखा रहा है, एडमिन चेंज करूंगा, एडमिन वाले दिखा रहे, ठीक है ना। एचआर चेंज कर दूंगा, एचआर वाले दिखा रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज कर सकते हैं, और देखते हैं क्या है इसमें। डेट, जब आपको डेट डालनी है दो बिटवीन की, वही डेट लेगा, ठीक है। टाइम भी आप बिटवीन कुछ इसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, डेट टाइम। टेक्स्ट लेंथ, अब जैसे मोबाइल नंबर डालना है वो 10 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ गया मैं डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ मिनिमम जो है, मिनिमम मैक्सिमम या इक्वल टू इसमें ले लेता हूँ, इक्वल टू 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी ठीक है, अगर कुछ भी कम नंबर डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद है इसमें कस्टम, अब कस्टम में लग जाता है हमारा फार्मूला। फार्मूला में एक फार्मूला कैसे लगेगा इसमें, जैसे एक मैं बना देता हूँ, जैसे कि किसी को लिमिट देते हैं ना, परचेजिंग लिमिट देते हैं, नेम आइटम नेम और कॉस्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। ये परचेज करता जा रहा है, इसका अमाउंट यहाँ पे आता जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूँगा 5000 प्रदीप मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा 10,000 से ज़्यादा परचेज ही ना कर पाए, ठीक है ना। मतलब ये कोई 10 के पार जानी ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो इस पे मैं एक चीज़ लगाऊंगा कि काउंट इफ, ये फुल रेंज हो गई, क्राइटेरिया क्या हो गया, ये बल्कि ये काउंट इफ नहीं, सम इफ करता हूँ, क्योंकि तभी तो रेंज को ये सम करेगा। सम इफ रेंज क्राइटेरिया आ गया, और सम रेंज दे दी मैंने ये, ठीक है। क्या ये ग्रेटर देन 10,000 है, अगर दोनों फॉल्स हैं, हाँ फिलहाल आ रही है, पर अगर इसने क्या किया, संदीप में 8000 की और डालने की कोशिश करता हूँ तो ट्रू आ गया, है ना।
तो ये कंडीशन सही है। तो ये क्या करता है, ये फार्मूला ना ट्रूथ पे तो चलने देता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ट्रूथ पे हाईलाइट करा देता है ना, इसको हमें उल्टा चाहिए होता है। लेस देन करेंगे, लेस देन 10,000 ट्रू होगा तभी एंट्री करने देगा, ठीक है, ठीक है, फॉल्स होगा तो एंट्री नहीं करने देगा। तो ये फार्मूला उठा के मैं यहाँ वैलिडेशन लगा देता हूँ, कस्टम में जाके ये लगा दिया, ओके, ठीक है। अब इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये फार्मूला ड्रैग नहीं किया, इस वजह से यहाँ ट्रू फॉल्स गलत दिखा रहा है। पर अब देखो कि अगर मैं एंट्री करने की कोशिश करूँ 8,000, हाँ 8 की तो एंट्री हो गई, ये एंटर, एरर है, करने ही नहीं देगा। 2,000 की करूँ, कर लेगा। तो आपने लेस देन 10,000 किया था ना? हाँ, तो लेस देन 10,000 होना चाहिए। अच्छा, ये है, वो दोनों उलट हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ट्रू में हम हाईलाइट करा देते हैं, अच्छा। इसमें ट्रू में करने देता है, तो यानी यहाँ फॉल्स चाहिए होता है, वहाँ ट्रू चाहिए होता है, ठीक है, दोनों उलट हैं एक दूसरे के, ठीक है। प्रदीप को मैं कह देता हूँ 5,000, 3,999 करने दिया, ठीक है। तो इस तरह से शीट पे वैलिडेशन लगा सकते हैं किसी भी फार्मूला के उस पर, ठीक है। और डेटा वैलिडेशन में क्या क्या है, ये तो हमारा ये क्राइटेरिया है, इनपुट मैसेज कि किसी पे हमने लगा रखा है तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो जैसे इस पे मैं लगा देता हूँ कि ये लगा हुआ है फार्मूला, टाइटल, और इसमें लिख देता हूँ कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन, यू कांट परचेज मोर देन 9,999, यहीं तक करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा डालने की कोशिश करूँ तो ये तुम्हें मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहले से ही दिखा रहा है ये टाइटल में, ठीक है। और वो मैसेज अलग से आ रहा है, उसमें भी चाह रहे हो दिखाने का, कहाँ से कहाँ तक लगाया है, तो फाइंड गो टू स्पेशल वैलिडेशन का है कहीं, इसमें डेटा वैलिडेशन सेम यहाँ तक है, नहीं फाइंड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, कस्टम में लगाया, इनपुट मैसेज ये हमें दिखाएगा, एरर अलर्ट, अलर्ट में क्या दिखाना चाहिए, अब यहाँ पे दिखाना चाहिए, पोस्ट रिस्ट्रिक्शन यू हैव एंटर्ड मोर देन 9,999, ओके, स्टाइल जो है स्टॉप का है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, रिट्राई, अब इसमें क्या है कि रिट्राई कैंसिल ये करने ही नहीं देता है, ठीक है। एक अगर आप वार्निंग करोगे तो क्या होता है, यू हैव एंटर्ड मोर देन कंटिन्यू यस, तो कर देगा, नो पे नहीं करने देगा, ठीक है। इसमें एक चॉइस आ जाती है, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करेगा,
अब अगर इसमें डालते हो यू हैव एंटर्ड मोर देन 90, ओके करोगे एंटर ही रहने देगा, ठीक है ना। तो ये तीन स्टाइल है, तो ये करने भी देगा आपको, ठीक है। तो यही है कंप्लीट डेटा वैलिडेशन।